हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं एक बार फिर आज के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, हाउ पावरफुल इज सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब कितना पावरफुल देश है इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके पहले भी हमने सऊदी अरब पे बहुत सारे वीडियो किए हैं, हमारे चैनल पे आप चेकआउट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की लिंक, जो ओरिजिनल वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरब खित्ते में एक कशीदगी का माहौल है। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते, जबकि सऊदी अरब के कतर से ताल्लुकात भी ठीक नहीं चल रहे। ऐसे में हम देखते हैं कि सऊदी अरब कितनी बड़ी ताकत है। रकबे के अतबार से सऊदी अरब दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो वेनेजुएला के बाद तेल के साबित शुदा सबसे ज्यादा जखायर भी सऊदी अरब में है। लेकिन यही तेल के जखायर सऊदी अरब की कमजोरी भी हैं और उसकी ताकत भी। ताकत इस तरह कि ये सऊदी मईशत को बहुत बड़ा ज़र्रे मुबादला देते हैं, और कमजोरी इस तरह कि कुदरती वसाइल किसी मुल्क की देर पा तरक्की के जामिन नहीं होते। देर पा तरक्की अवाम की मुस्बत सोच, मेहनत और महारत से जन्म लेती है। दिफाई लिहाज से देखें तो 3 लाख फोर्सेस के साथ सऊदी अरब इसराइल, मिस्र और ईरान के बाद खित्ते की चौथी बड़ी फौजी ताकत है। 2017 में सऊदी अरब ने अमेरिका से इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दिफाई डील भी की है, जिसके मुताबिक 350 अरब डॉलर के जंगी जहाज और दूसरा साजो सामान अमेरिका से खरीदा जाएगा। जबकि जदीद मिसाइल सिस्टम के लिए भी सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की डील रूस से कर रखी है। इस सब के बावजूद सऊदी अरब की फौज को एक एक्सपर्ट फौज नहीं माना जाता, जिसका एक मुजाहरा उस वक्त देखने में आया जब सऊदी फोर्सेस ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ महाज खोल दिया। सऊदी दावे के मुताबिक ये महाज उन्हें हफ्तों में जीत जाना था, लेकिन महीनों गुजरने के बावजूद सऊदी अरब अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाया। सियासी लिहाज से सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर अमेरिका का करीबी इतिहादी होना है। 1930 में जब आले सऊद के सरबराह मोहम्मद बिन सऊद ने सऊदी बादशाहत का आगाज किया, तो अमरीकी सदर रूज़वेल्ट से एक तारीखी दिफाई मुआहदा किया, जिसके मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब का तहफ्फुज़ करेगा और बदले में सस्ता तेल हासिल करेगा। सऊदी अरब की दूसरी बड़ी ताकत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब इस्लाम के मुकद्दस तरीन मुकामात का इस सरजमीन पर होना है। ये बात दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में सऊदी अरब का एक खास मुकाम पैदा करती है। जबकि हर साल हाजियों और उम्रा जायरीन की खिदमत करके सऊदी अरब अपनी साख को बरकरार रखे हुए है। मुख्तसर ये कि सऊदी अरब अरब खित्ते की एक बड़ी मुआशी ताकत और दरमियाने दर्जे की फौजी ताकत है। अमरीकी इंटेलिजेंस दुनिया भर में सऊदी मुफादात का तहफ्फुज करती है, लेकिन सऊदी अरब में खुद से इतनी ताकत नहीं कि राइज वर्ल्ड ऑर्डर में कोई बुनियादी तब्दीली ला सके। तो बेसिकली सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब के जो पड़ोस में है ईरान और एक कौन सा देश बताया कि उनके साथ उसके संबंध भी अच्छे नहीं है, और क्योंकि ये दोनों पड़ोसी मुल्क है और मुस्लिम भी है, फिर भी संबंध अच्छे नहीं है। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि और सऊदी अरब एक क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा उत्पादक देश है, और वेनेजुएला के बाद भी और जो दूसरे ऑयल है वो भी ज़्यादा मिलते हैं सऊदी अरब में, पेट्रोल हो, और उनकी आबादी भी जो कि दुनिया में 13वें नंबर पर है, तो लोकसंख्या भी वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और बात की जाए तो बहुत ही पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, वो भी हमने इस वीडियो में देखा। और ये वीडियो तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, और इनके चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। और फौजी ताकत की बात की जाए तो सऊदी के पास 3 लाख है, जो कि इसराइल, मिस्र और ईरान के बाद चौथी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा, 3 लाख मतलब बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। और वहाँ पे क्रूड ऑयल तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मिलता है और एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं,
और जो कि मक्का मदीना जो कि फेमस है, सभी मुस्लिम लोग हर साल वहाँ पे हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। वो भी सऊदी अरब में है, तो उसका भी बहुत सारा इनकम मिलता है सऊदी गवर्नमेंट को। उसके भी एक वीडियो हमने बनाई, आप हमारे चैनल पे चेकआउट कीजिए या फिर उस इस आई बटन के लिंक पे हम उसकी लिंक दे देंगे, क्योंकि सऊदी अरब गवर्नमेंट हज से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाती है। और इस वीडियो में बताया कि अमेरिका के साथ जो सऊदी अरब का एक एग्रीमेंट हुआ था 2017 में, उसके तहत 350 करोड़ के जंगी जहाज भी खरीदे जाएंगे और भी कुछ सामान खरीदा जाएगा, तो वो अपनी ताकत और भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में हमें बहुत ही आगे रहना। और एक 1930 में ही शायद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में कुछ बात हुई और एग्रीमेंट हुआ शायद, कि वो उनकी उनके लिए क्या बोलते कि हिफाजत करेंगे और उनको सऊदी अरब उनको जो तेल है वो थोड़ा सस्ता बेचेंगे। तो सभी अमेरिका के ही क्या मिलिट्री के यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं, वो सऊदी अरब की हिफाजत करते हैं, और लेकिन सऊदी अरब की जो मिलिट्री है वो एक्सपर्ट नहीं है, और यमन के युद्ध में भी वो पता चला, क्योंकि उन्हें हफ्तों में जितना जितना था वो युद्ध, लेकिन महीनों लगे। तो ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।